संत श्रोमणी श्री रविदास समरसता यात्रा शाजापुर से बेरछा सुंदरसी होते हुए ग्राम रानी बड़ौद पहुंची। यहां यात्रा का ग्रामीण जन और जनप्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। ग्राम रानी बड़ौद में यात्रा की जनसंवाद के बाद अकोदिया पहुंची, जहां रात्रि विश्राम किया गया। सुबह यात्रा ने अकोदिया नगर में भ्रमण किया, जहाँ कलश लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं यात्रा में शामिल हुई। नगर में जगह जगह समरसता यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ। जो हमको सबको दिख रहा है, जिन्होंने मार्गदर्शन हिंदुस्तान के लोगों का किया है, पूरे विश्व के लोगों का किया है, और कोई शर्म नहीं। व्यापार व्यवसाय जिस प्रकार का उनका था, किसी प्रकार की शर्म नहीं, और सद्भाव समभाव, एक एक व्यक्ति को एक जैसा मानना, ये संदेश उनका पूरी दुनिया में पहुंचाने का लक्ष्य था। और आज हम उस लक्ष्य को जो है पूरा करने में हमारी भी आहुति लग रही है। जितने हमारे भाई बहन बैठे हैं यहाँ, हम कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं, सब एक जैसे भाई बहन हैं, सब एक जैसे लोग हैं, सब ऊंचा नीचा कुछ नहीं, सब हम सनातनी हैं। यह भाव उनका था, उस भाव को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। और सरकार को, सन्मान्य शिवराज सिंह जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको हमको हमेशा धन्यवाद देना पड़ेगा। उसका कारण है कि जो रविदास महाराज हैं, उनका मंदिर सागर में 100 करोड़ की लागत से बनने वाला है। बंधुओं, 100 करोड़ रुपए कितना होता है आप अंदाजा लगाइए। एक तीर्थ स्थान बन जाएगा, जैसा सन्माननीय अयोध्या में भगवान श्री राम का बन रहा है, इस प्रकार से वहां मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो हमको धन्यवाद देना चाहिए शिवराज सिंह जी को और उनकी सरकार को कि आपने जो इतना बड़ा कार्य किया है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हम सब समाज के सनातनी लोग जो है रविदास जी का जो मंदिर बनाया, उसके लिए धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम में से एक एक व्यक्ति, बस उनका थोड़ा सा जो रास्ता दिखाया उन्होंने, अगर उसमें से 1% 2% भी हम उस पर चल लिए, तो हमारा जीवन सार्थक माना जाएगा। तो बंधुओं, पुनः निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय जवान। सुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।